सो दोस्तों, जिन भी लोगों को यहाँ पे गूगल क्रोम जो ब्राउज़र है उसको अपडेट करने में प्रॉब्लम आ रहा है अपने पीसी या फिर लैपटॉप के अंदर, तो वो लोग आज के जो वीडियो है इसको पूरा ज़रूर से देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको दो तरीके बताने वाला हूँ जिनमें कि दोस्तों अपडेट करने के लिए आपको जो अपने पुराना वाला जो गूगल क्रोम ब्राउज़र है उसको भी डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो सारा का सारा डेटा है वो भी वहीं का वहीं रह जाएगा, ठीक है। तो आपको कुछ भी डिलीट करने का नहीं है, मैं आपको पूरे दो तरीके बताऊंगा किस तरह से आपको अपडेट करने हैं, वो भी विंडोज 10 के अंदर। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य राज और आप देख रहे हैं हाईटेक कम्युनिटी यूट्यूब चैनल, और इस चैनल पर आपको टेक से रिलेटेड काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन मिलते रहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो अब गए जैसे कि आप देख पा रहे हो, अभी मैं आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे। तो काफ़ी लोगों को दोस्तों ये दिक्कत आती है कि उनको जो गूगल क्रोम का जो अपडेट बटन है वो मिलता नहीं है। तो ठीक है, सबसे पहला प्रोसीजर ये है अपडेट करने का। सबसे पहले आपको ओपन करना है अपना गूगल क्रोम ब्राउजर, और क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद आपको करना क्या, यहाँ पे थोड़ा सा लोड ले रहा है। अब इसको ओपन होने के बाद दोस्तों यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे 3 डॉट्स का बटन दिया गया है, इसके ऊपर आप क्लिक कर लेना। उसके बाद आपको चले जाना है सिंपली सेटिंग्स के अंदर। अब सेटिंग्स के अंदर आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे आ जाना है अबाउट क्रोम के अंदर। अब जैसे आप यहाँ पे आओगे, जैसे कि आप देख पा रहे हो मेरा वाला अपडेटेड है, अगर आपका अपडेटेड नहीं है तो यहाँ पे आपको एक अपडेट का बटन दे दिया जाएगा, जिसके ऊपर क्लिक करते ही आपका जो क्रोम ब्राउजर है वो अपडेट हो जाएगा। अगर इस तरीके से भी आपका जो क्रोम है वो अपडेट नहीं हो रहा है तो आपको अपडेट कैसे करना है, आपको उसको सिंपली यहाँ पे सर्च कर लेना है क्रोम, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्रोम सर्च कर लेते हैं, तो क्रोम यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ। उसके बाद आपको बगल में लिख देना है डाउनलोड, ठीक है। तो क्रोम डाउनलोड लिख लेना, इसमें भी आपको डिलीट करने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका जो सारा का सारा डेटा इसके अंदर जो भी स्टोर रहेगा वो ऐसे के ऐसे ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि आपको कोई भी डिलीट करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो अब दोस्तों यहाँ पे आने के बाद जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, डाउनलोड एंड इंस्टॉल गूगल क्रोम लिखा हुआ है, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। तो इसके ऊपर आ जाने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे डाउनलोड द इंस्टॉलेशन फाइल, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है, और यहाँ पे जो क्रोम ब्राउजर का ऑफिशियल वेबसाइट है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको करना क्या है, या तो आप यहाँ पे आई वांट टू अपडेट क्रोम के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ से अपडेट कर सकते हो, यहाँ पे एक और अपडेट का बटन दे दिया जाएगा, या फिर दोस्तों आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है क्रोम ब्राउजर को। और डाउनलोड करने के बाद जैसे आप इंस्टॉल करोगे, आपको पुराना वाला डिलीट नहीं करना, आप जैसे ही इंस्टॉल करोगे उसके बाद वो अपडेट होगा, ना कि वो इंस्टॉल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको डायरेक्टली अपडेट का बटन या फिर दे दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको दो तरीके बोले थे, लेकिन मैं आपको तीन तरीके बता रहा हूँ किस तरह से आपको अपडेट करना है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो फिर से आप देख लेना वीडियो को, यहां से तो जरूर से अपडेट हो जाएगा आई वांट टू अपडेट के बटन पे, क्योंकि मेरे जो लैपटॉप है उसमें भी मैं यहीं से अपडेट किया था, ठीक है। नॉर्मली वो अपडेट नहीं हो रहा था, तो मैं यहाँ पे इस वाले वेबसाइट पर आके यहाँ से मैंने अपडेट कर लिया था। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी को आज के जो वीडियो था पसंद है, और अगर आप ऐसे और भी वीडियो देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। सो आज के इतना है, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।